नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए डीप फाउंडेशन पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डीप फाउंडेशन में पाइल्स और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ पाइल फाउंडेशन, व्हेन टू यूज़ पाइल फाउंडेशन एंड टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फाउंडेशन स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है और लोड को स्ट्रक्चर से सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जिस लेयर पर फाउंडेशन लोड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें पर्याप्त बियरिंग कैपेसिटी और सूटेबल सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। डिफरेंट कंसीडरेशन के ऊपर डिपेंड करके कई प्रकार के फाउंडेशन होते हैं, जैसे सुपरस्ट्रक्चर से आने वाली टोटल लोड, सॉइल के कंडीशंस, वाटर लेवल, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन सेंसिटिविटी, अवेलेबल रिसोर्सेस, प्रोजेक्ट के डेडलाइंस और कॉस्ट। मोटे तौर पर फाउंडेशन को शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में क्लासिफाई किया जा सकता है। शैलो फुटिंग आमतौर पर तब यूज़ किया जाता है जब सतह की मिट्टी के बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रक्चर द्वारा लगाए गए लोड को कैरी करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरे ओर डिफरेंट टाइप्स के डीप फाउंडेशन का यूज़ आमतौर पर तब किया जाता है जब सॉइल सरफेस की बियरिंग कैपेसिटी किसी स्ट्रक्चर द्वारा लगाए गए लोड को कैरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, इसलिए लोड को एक गहरी स्तर पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है जहां सॉइल सरफेस की बियरिंग कैपेसिटी अधिक होते हैं। पाइल फाउंडेशन एक प्रकार के डीप फाउंडेशन है। अब देखते हैं व्हाट इज़ पाइल फाउंडेशन। ए पाइल फाउंडेशन, ए काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन, कैन बी डिफाइंड एज ए सिलेंडर कॉलम और लॉन्ग सिलेंडर मेड ऑफ मटेरियल्स सच एज कॉन्क्रीट और स्टील व्हिच आर यूज टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर द लोड एट डिजायर डेप्थ आइदर बाय द एंड बियरिंग और स्क्रीन फिक्शन। इसका मतलब क्या है? मतलब एक पाइल फाउंडेशन जो एक प्रकार के डीप फाउंडेशन होते हैं उसको कंक्रीट या स्टील जैसे मटेरियल से बने सिलेंडर कॉलम या लंबे सिलेंडर के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और लोड को एंड बियरिंग या स्क्रीन फ्रिक्शन द्वारा डिजायर डेप्थ पे ट्रांसफ़र करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर एटकिंसन के अनुसार पाइल फाउंडेशन आर डीप फाउंडेशंस। They are formed by long cylinder columnar elements typically made from steel or reinforced concrete or sometimes timber. A foundation is defined as piled when its depth is more than 3 times its width. मतलब पाइल फाउंडेशन एक प्रकार के डीप फाउंडेशन होते हैं। ये आमतौर पर स्टील या reinforced concrete या कभी कभी लकड़ियों से बने लंबे पतले स्तंभ से बनते हैं। एक फाउंडेशन को पाइल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है जब इसका गहराई इसका चौड़ाई से 3 गुना अधिक होते हैं। फाउंडेशन पाइल आमतौर पर बड़े स्ट्रक्चर के लिए और ऐसे सिचुएशन में उपयोग किए जाते हैं जहां शैलो डेप्थ पर मिट्टी एक्सेसिव सेटलमेंट को रेजिस्ट करने या फिर अपलिफ्ट को रेजिस्ट करने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। When to use pile foundation? अक्सर ये सवाल उठते हैं कि pile foundation किन स्थितियों के लिए suitable है। चलिए देखते हैं कौन कौन स्थितियों में pile foundation system का use करना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जब ग्राउंड वाटर टेबल हाई होते हैं तब foundation piling सबसे अच्छे उपाय होते हैं। जब superstructure से heavy और ununiform load लगाया जाते हैं, अन्य प्रकार के foundation महंगी है या पॉसिबल नहीं है। जब शैलो डेप्थ पर सॉइल कंप्रेसिबल होते हैं, जब नदी के तल या समुन्द्र के किनारे के पास होने के कारण स्कोरिंग के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, जब स्ट्रक्चर के पास कैनल या डीप ड्रेनेज सिस्टम हो, जब मिट्टी के खराब कंडीशन के कारण डिजायर डेप्थ तक मिट्टी के एक्सकवेशन पॉसिबल ना हो, जब सीपेज के भारी प्रभाव के कारण फाउंडेशन के ट्रेंच को पंप करके या किसी दूसरे तरीके से सूखा रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सारे कंडीशंस जब होते हैं तब पाइल फाउंडेशन यूज़ किया जाते हैं।
पाइल फाउंडेशन को दो तरफ से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज और दो बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन मेथड। बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज में पाइल फाउंडेशन 5 टाइप्स के हैं, जैसे सीट पाइल्स, लोड बियरिंग पाइल्स, एंड बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स और सॉयल कॉम्पैक्टर पाइल्स। दूसरी तरफ बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन मेथड में पाइल फाउंडेशन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे टिम्बर पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स, स्टील पाइल्स और कंपोजिट पाइल्स। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पाइल फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ नए सीखते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव सिविल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।